हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रियंका आज आपके लिए लेकर आई हूँ मलाई रोल की रेसिपी, जो विद इन 15 मिनट्स में बन जाती है। जो बच्चे हो या बड़े, सबको बहुत पसंद आती है। लॉकडाउन स्पेशल है, मन करता है कुछ मीठा खाने का, तो इसीलिए आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ ब्रेड से बनने वाला मलाई रोल। आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करें। हमको क्या क्या चाहिएगा? 200 ग्राम को मावा चाहिए, स्टफिंग के लिए खोया, 1 कप शक्कर, इलायची, केसर, दूध, रबड़ी बनाने के लिए ब्रेड स्लाइसेस, रोल्स बनाने के लिए तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। इसको हम चलाते रहेंगे, बॉईल हो चुका है हमारा दूध। इसको बीच बीच में चलाते रहे कंटिन्यू, ताकि ये लगे ना, नीचे जले ना। अब मैं हल्की सी इसमें शक्कर ऐड कर रही हूँ। थोड़े से केसर के धागे, जितना मैंने शक्कर लिया था अभी, उसका हाफ मैंने इसमें रबड़ी में ऐड किया है और हाफ हम स्टफिंग में ऐड करेंगे। अभी ये गाढ़ी हो चुकी है हमारी रबड़ी। अब हम स्टफिंग बनाएंगे। इसके लिए हम मावा लेंगे, इसको लो पे ही रखिए। अब इसमें मैं उस शक्कर जो हाफ हमारी बची थी उसको पीस के मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ शक्कर मैंने रबड़ी में डाला था और हाफ ही मैंने स्टफिंग में डाला है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए आपको कितना मीठा चाहिए, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें 2-3 ड्रॉप येलो कलर डाला है, वो ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल लीजिए, वो कलर अच्छा आता है। अब मैं इसके रोल्स बनाऊंगी। ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं, स्क्वेचेस को हम इसके काट देंगे। ब्रेड आप फ्रेश ही लीजिएगा रोल्स के लिए। अब इसको हम बेलेंगे। अगर ब्रेड सॉफ्ट होगी तो वो अच्छे से बेलेगी, अगर पुरानी ब्रेड होगी तो वो टूट जाएगी। तो आप कोशिश यही करिए कि फ्रेश होनी चाहिए ब्रेड।
ये देखिए इसको कितना पतला करना है। अभी ये मैं इसमें इलायची और पिस्ता दोनों ऐड कर रही हूँ स्टफिंग में। ये दूध लिया है मैंने, अब ब्रश से मैं दूध थोड़ा थोड़ा सा लगाऊंगी इसके ऊपर। ताकि आसानी से रोल हो जाए। अब स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरिएगा इसके अंदर और आराम से इसको रोल कीजिएगा। ऐसे हम रोल सारे बना लेंगे। मैंने दूध के अंदर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स गुलाब जल की भी ऐड करी है, आप भी ऐड कर लीजिएगा। और स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा और एक भी इंग्रेडिएंट को स्किप मत कीजिएगा। अब ये ऐसे रोल्स हम बना लेंगे। अब इसके ऊपर हम रबड़ी डालेंगे। अब पिस्ता से गार्निशिंग करेंगे इसकी। ये मैंने थोड़ा सा दूध के अंदर केसर भिगा लिया था तो मैं इसे इस तरीके से गार्निशिंग करूंगी। बहुत सुंदर लगता है केसर। हम थोड़ा थोड़ा सा ऊपर से लगाएं तो ये देखिए रेडी हो चुका है हमारा मलाई रोल, ब्रेड मलाई रोल। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा और ये जितना देखने में अच्छा लग रहा है उतना खाने में भी अच्छा लग रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।